बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में सभी का अपना अपना कुछ उम्मीद है और ऐसे में रसोईया संघ आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ चुकी है। गुस्सा साफ है, रसोइयों का मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 10,000 किया जाए। महिलाएं हैं, अलग अलग जगह से आई हैं, हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मांग है और क्या कुछ है। हम लोग का 10,000 रुपया तनख्वाह बढ़ा है, 10,000 रुपया तनख्वाह बढ़ा है, हम लोग यही मांग करें 10,000 रुपया। कहाँ से? हम लोग पूर्णिया जिला से आए हैं। हम लोग 1650 देता है, उससे हम लोग का नहीं होता दीदी। 10,000 हम लोग मांगते हैं, मान करते हैं, गरीब आदमी है, भोरे जाते हैं, 5-6 बजे छुट्टी देता है, न बच्चा खिलाने देते हैं, न कुछ देते हैं, अपना पति खाने देते हैं, दौड़ने वक्त इसको, इसीलिए हम लोग धरना धरे। हम लोग 10 साल हो गया मैम, हाँ 1600 1650 हम लोग का मिलता है। 10,000 का सिलेंडर बना जाए, बाल बच्चे कैसे हम लोग को पड़ेगा? 100 रुपये 120 के तेल हो गया मैम, हम लोग का कैसे होगा रोजगार? आजकल का तो महंगाई समझ ही रहे हैं, तो हम लोग को कुछ चाहिए ना। हम बेगूसराय जिला से आए हैं, बेला बहोरा से, हमको वेतन खातिर आए हैं, रोजगार खातिर बाप 1500 1600 से नहीं कुछ होता है, बाल बच्चा पढ़ता है लिखता है, वैसे क्या होगा? सरफ साबुन तो पूरेगा नहीं, कहते हैं कि साफ सुथरा से ही आइए, हमको पेट कैसे भरेंगे? तो ये तमाम बुजुर्ग लोग भी हैं, वो लोग भी बैठी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय छत से। रसोईया है हमारा, 1600 ने कुछ पोसाता है नहीं, बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे कि खाना खाए के, साफ सुथरा करके कहता है आइए 4 बजे तक रहिए, हमको पेट नहीं है भरेगा तो काम क्या करेगा? सुन लिए गुस्सा साहब, हम लोग रसोईया है, कंकड़ा कॉलोनी से आए हैं, हम लोग का मांग पूरा नहीं दे रहा है, और जड़ता उड़ता है तो दवा बीरो लेकिन पैसा भी नहीं देता है, 1650 में का होगा आ 2 महीने का वेतन काट लेता है, और नहीं जाते तो कहता है ना कि हाजिरी नहीं बनाने देंगे, निकाल देंगे, खाना बना के जाओ। कंकड़बाग से आए हैं, आज मेरा 18 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, 18 साल में 400 से 1600 हुआ है, 1650। कैसे करती हैं? बिहार विधानसभा का व्यवहार बहुत खराब से लोग करता है, स्कूल में काम हम लोग करते हैं, कैला के कोई मोल नहीं, नहीं मास्टर लोग मोल रखते हैं, ना मैडम नहीं बच्चा कि आप लोगों को खाना बना के अलावा भी बहुत सारे काम। हाँ हाँ, पैखाना में पानी डालो, बेंच पोछो। देखिए गुस्सा साफ है, गुस्सा इसलिए क्योंकि कहती हैं कि खाना बनाने के अलावा भी इन लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है, बाकी जब किसी तरह की जो समस्या होती है, बीमार पड़ते हैं, जल जाते हैं, वो सब का भी इलाज इन्हें इन्हीं सारे 1600 में करना होता है। ऐसे में इन लोगों को 10,000 रुपए चाहिए, अन्यथा आर पार की लड़ाई के मूड में है। बरेरे कशिश पटना से।